चेकिंग की जा रही थी बॉर्डर पे, तो रसूलपुर पुलिया के पास एक ट्रक मिला। जब उसे चेक किया गया तो उसमें 18 गोवंश के वो मिले, गोवंश जो कि बड़े क्रूर तरीके से उसमें भर रखे थे। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौ तस्करी के आरोप में जुनैद और नासिर समेत ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार देने वाले गौ रक्षक उस वक्त अपनी आंखें मूंद लेते हैं जब गौ तस्करी के आरोप में हिंदू समाज के ऐसे ही लोग गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, जो खुले तौर पर गौवंश की तस्करी करते पकड़े जाते हैं। इन लोगों पर गौ रक्षक शायद आंखें मूंद लेते हैं, खासकर मोनू मानेसर के गैंग वाले तो आंखें मूंद ही लेते होंगे। वैसे तो बजरंग दल समेत कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो गौ रक्षा के नाम पर तांडव मचाए हुए हैं, लेकिन आपको जो एक खबर हम बताने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि कोई भी उसमें अल्पसंख्यक नहीं है। हर वो गौ तस्कर जो पकड़ा गया और जो फरार हो गया वो सब का सब हिंदू है, लेकिन इन कट्टरपंथियों को गौ रक्षा के नाम पर सिर्फ खूनी खेल खेलना आता है और टारगेट पर अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ललन पोस्ट ने एक ट्वीट किया है, वरकोल थाने की पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर के रसलपुर गांव के पास ट्रक समेत 18 गोवंश के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए आरोपियों में घुरल चौधरी, मुन्ना यादव बलिया जिले के नरहित थाना इलाके के रहने वाले हैं, जबकि इनके साथ जो कुछ और लोग हैं उनका भी नाम देखिए कि फरार आरोपी चंदन गुप्ता, मिथिलेश यादव, दुर्गा गुप्ता और सुरेश गुप्ता, ये सभी फरार गाजीपुर और बलिया जिले के रहने वाले हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। और जानकारी क्या मिली, जो इनके पोस्टर पर देखें जो लिखा हुआ है कि 18 गोवंश को ट्रक में ठूंस कर ले जा रहे 6 तस्कर, भावरकोल पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 2 तस्करों घुरल चौधरी, मुन्ना यादव को अरेस्ट कर ट्रक समेत 18 गोवंश को बरामद किया। यह खबर है और इसमें आपने किस देखा, क्या कोई जुनैद है, कोई नासिर है, क्या क्या ऐसे कोई अल्पसंख्यक है क्या? तो गौ तस्करी करने वाले सिर्फ और सिर्फ अगर आरोप लगाए जाते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से होते, ऐसा नहीं है। हिंदू समुदाय के लोग भी इसे बिजनेस बना रखे हैं और गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले, खूनी खेल खेलने वाले टारगेट कहां करते हैं, खून कहां बहाते हैं, अल्पसंख्यकों को पकड़ते हैं, उसका किडनैप करते हैं, अधमरा करके पुलिस के पास ले जाते हैं, फिर गाड़ियों में जिंदा जला डालते हैं। तो ऐसे होते हैं इस तरीके के गौ रक्षक। जब ये 18 गोवंश के साथ ये सब पकड़ाए, आरोपी पकड़ाए, उसके मामले में गौ रक्षक को क्या कोई जानकारी नहीं मिली? कैसे फिर ये लोग वहां पहुंच नहीं पाए, उनको तस्करी करने से रोक नहीं पाए? या फिर ये तो कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हैं? क्या पुलिस कानून को हाथ में लेने की छूट इन गौ रक्षकों को सिर्फ अल्पसंख्यकों के मामले में देती है, मुसलमानों के मामले में देती है? वो भी आरोप लगा नहीं कि इन लोगों ने उसकी जिंदगी छीननी शुरू नहीं की। सब कुछ हो जाता है और पुलिस भी जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। तो इस खबर ने हैरान किया होगा उन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि गौ तस्करी सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय से की जाती है। इनके इस ट्वीट पर एक कमेंट भी है कि सच तो यही है कि गौ रक्षक ही गौ भक्षक है। तो क्या जो ये गौ रक्षक है वो सब भी मिले हुए हैं? ऐसे आरोप तो कई बार लग चुके हैं कि जो गौ तस्कर को पकड़ने का ढोंग रचते हैं उनमें से कई लोग ही गौ रक्षक तो बने होते हैं लेकिन खाल ओढ़े होते हैं, मतलब साफ होता है कि वो गौ तस्करों से मिले होते हैं। क्या उसमें बजरंग दल के भी लोग होते होंगे? ऐसे आरोप लगते रहे हैं। तभी तो देखिए कि ये सब पकड़े गए जो 18 गोवंश को गाड़ी में ठूंस ठूंस कर लेकर जा रहे थे, पुलिस ने मौके पर इन लोगों को पकड़ा, फिर भी कुछ लोग फरार हो गए। तभी इस पर कमेंट किया जाता है, मोहम्मद आसिफ ने कमेंट किया है, वो भी देखिए कि बात साफ है भाइयों, हम आम इंसान को बात समझ में नहीं आ रही है, बात सिर्फ बिजनेस करने की है, इसका फायदा कोई कुर्सी के लिए करता है, कोई अपनी दुश्मनी निकालने में करता है। तो क्या जुनैद और नासिर के साथ मोनू मानेसर समेत ऐसे तमाम गुंडों ने जघन्य अपराध किया, उसे जिंदा फूंक डाला, वो खुन्नस थी, वो दुश्मनी निकालने का मामला था? अगर ऐसा था
तो राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस कर क्या रही है, क्यों नहीं इसे दबोच पा रही है, उसे कौन संरक्षण दे रहा है, इस सवाल हमेशा पूछा जाता है। और हम अपने प्रत्येक वीडियो में भी मोनू मानेसर की जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद को गौरक्षक होने का दावा करता है, लेकिन गौ तस्करी अगर धड़ल्ले से हो रही है तो फिर ये मोनू मानेसर खून किसका बहा आता है, आखिर कौन है गौ तस्कर, ये तो पता करना पड़ेगा ना। यहां तो ना जुनैद कोई दिखाई पड़ता है, ना नासिर दिखाई पड़ता है, गौ तस्करी करने वाले तमाम हिंदू हैं, क्या कहेंगे इस पर। इस मामले में जरा गाजीपुर के पुलिस अधिकारी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे ये कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग शामिल थे और कौन फरार हो गए। भावर टोल पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पे एक चेकिंग की जा रही थी बॉर्डर पे, तो रसूलपुर पुलिया के पास एक ट्रक मिला, जब उसे चेक किया गया तो उसमें 18 गोवंश के वो मिले, गोवंश जो कि बड़े क्रूरल तरीके से उसमें भर रखे थे। चार लोग हैं जो भाग गए थे, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा इनके द्वारा पूछताछ में मालूम पड़ा है कि ये इस गोवंश को बिहार के रास्ते से गोवध के लिए ले जा रहे थे। तो सुना आपने, ये है पूरा मामला कि कैसे ये लोग गौ तस्करी को अंजाम देते हैं, यूपी बिहार के बॉर्डर पर इसे धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। मकसद साफ था कि इस 18 गोवंश का वध करना था और इसकी तस्करी सिर्फ इसी वजह से की जा रही थी। समय रहते पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा, नहीं तो गौ तस्करी तो हो ही जाती। और जो दंभ भरते हैं कि हम बहुत बड़े गौरक्षक हैं और पुलिस उसे संरक्षण देती है, गौरक्षा के नाम पर कुछ भी कर डालो, वैसे गौरक्षक इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहे थे। हमने आपको इससे पहले भी जानकारी दी है कि हरियाणा के सोनीपत में भी इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया जाता है, गौ तस्करी वहां भी खूब होती है। और हरियाणा के गुरुग्राम के बगल में मानेसर है, जहां मोनू मानेसर भी है, उस एरिया में भी गौ तस्करी खूब होती है। तो मोनू मानेसर जैसे गौरक्षक करते क्या है, गुंडागर्दी, खून बहाते हैं। कल खबर यह आई कि हरियाणा के सोनीपत में एक सनकी ने गाय की हत्या कर दी, गाय को इतना पीटा कि गाय निढाल होकर गिर गई, उसके बाद रस्से से गले घोटकर उस गाय की उसने जान ले ली। बाद में पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया, अजेश नाम का व्यक्ति था, उसे गुस्सा इस बात का था कि वहां पर गाय उसके खेत में घुसी कैसे। तो फिर उस वक्त गौरक्षक कहां थे, क्यों नहीं गाय की जान बचाई गई। पुलिस वाले पहुंचे, उसे पकड़ लिया, लेकिन वहां जानकारी है कि खुले में वहां पर गाय खूब चरती है, कई गायें हैं जो बेघर हैं, आवारा पशु कहलाती हैं वहां पर, लेकिन उसकी रक्षा के लिए ये गौरक्षक कभी आपको आगे आते दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब लंपी वायरस से लाखों गाय मर गई थी तो उस वक्त भी ये गौरक्षक आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। बस गौ तस्करी रोकने के नाम पर हथियार चलाएंगे, असलहा लहराएंगे, पुलिस प्रशासन के साथ साठगांठ कर अपनी फोटो चमकाएंगे, पॉलिटिकल कॉरिडोर में जाकर तस्वीरें खिंचवाएंगे। ये लोग सिर्फ उस काम के लिए होते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि यूपी बिहार के बॉर्डर पर 18 गोवंश के साथ जो भी पकड़ा गया है वो सब का सब हिंदू है, जिसमें से चार फरार है, तब ऐसे गौरक्षकों की घिग्गी बंद गई होगी। ये लोग दो शब्द अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन वहीं पर अगर वही गौ तस्कर कोई अल्पसंख्यक होता, मुसलमान होता, तब तो इन लोगों ने तांडव मचा देना था। यही खबर अब हैरान करती है कि गोवंश की तस्करी तो लगातार हो रही है और ऐसे गौरक्षक सिर्फ और सिर्फ अपने कुकृत्य करने में लगे होते हैं, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं होता है। जो आरोप लगते हैं कि गौ तस्करों में ये लोग सहायक भी होते हैं, शायद ऐसा ही कुछ होता हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।